इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिग्विजय सिंह के इस क्लब हाउस चैट पर जम्मू कश्मीर में भी सियासत गर्म है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है, पाकिस्तान के साथ मिली हुई है। जिस तरीके से 370 इम्पोज किया गया कर्फ्यू लगा के, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को जेलों में डाल के, क्या ये तरीका है कोई कानून बनाने का? कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके 370 को हटाना चाहिए था। और आज भी अभी भी उन्होंने ये कहा, रिलुक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जिस तरह कश्मीर स्टेट का स्टेटहुड खत्म किया, वहां पे यूनियन टेरिटरीज बना दी है, उसको रिलुक करेंगे। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि 370 वापस लाया जाएगा। ये कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ, धारा 370 कयामत की सुबह तक वापस नहीं आएगी। इस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया गया। जब धारा 370 हटी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तकलीफ हुई, इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन किए और आज इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये बयान दे कि कांग्रेस आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी, ये दिग्विजय सिंह के, राहुल गांधी के और श्रीमती सोनिया गांधी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। ये केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की पटकथा है जो दिग्विजय सिंह ने जिसको बोला है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।